Hello friends, how are you? Fine? Okay. Today we will start revision and revision part 2. है ना, फर्स्ट पहला मैंने पार्ट 1 आपको भेज दिया है, जिसमें मैंने आपको भेजे थे टू नेम्स ऑफ ईच, है ना, टू नेम्स ऑफ ईच भेजे थे, हर एक के दो दो नाम आपको लिखने थे. रिवाइज करवा देती हूँ फिर से. कंट्रीज में इंडिया, बांग्लादेश, इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, शुगर, लैंडमार्क्स, ताजमहल, अजंता केव्स, वाइल्ड एनिमल्स, वाइट टाइगर, सी एनिमल्स, सी हॉर्स, न्यू वेल, वेजिटेबल्स, पोटेटो, टोमेटो, फेस्टिवल्स, दीपावली, होली, स्टेट्स, गुजरात, बिहार, कैपिटल्स, गांधीनगर, शिमला, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, है ना, बर्ड्स, पैरट, पीकॉक और ऑथर्स कालिदास, अबुल फजल. इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आपको लिखना है, दूसरा भी आप इसमें लिख सकते हो. ठीक है, अब टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट 2. इट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, देखो 1 to 25 चैप्टर आपके कोर्स में है, तो 1 to 25 चैप्टर में से मैंने आपको फिलअप्स निकाले हैं. इसमें वो आपको करना है, पैटर्न बताया है किस तरह से करना है, लेकिन आपको दूसरे भी आ सकते हैं उसके अंदर से, है ना, इसलिए लर्न तो आपको सब करना है, बराबर है, लेकिन ये रिवीजन है इसलिए आपको रिवाइज करने पूरे. फर्स्ट वन इज वी गेट कॉटन फ्रॉम डैश. हमको कॉटन कहाँ से मिलता है, रुई जो हमको कहाँ से मिलती है, चैप्टर समझाया था मैंने, कॉटन प्लांट से. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉटन प्लांट. ठीक है, उसका प्लांट होता है छोटा सा, शॉर्ब्स होते हैं ना, जो शॉर्ब्स जैसे होते हैं, हर्ब्स छोटे होते हैं, शॉर्ब्स जो है मिडिल वाले जो पौधे होते हैं उनको शॉर्ब्स बोलते हैं, शॉर्ब्स के बाद में ट्री बनता है. ठीक है, तो वो हमको किससे मिलता है, कॉटन प्लांट. सेकेंड वन इज क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर एवरी ईयर. कब मनाते हैं हम लोग, 25th दिसंबर, सबको पता है क्रिसमस का, क्रिसमस डे होता है उस दिन. ठीक है, थर्ड वन इज द डैश इज द लार्जेस्ट मैमल दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ. तो लार्जेस्ट मैमल कौन है, जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे वेट में सबसे ज्यादा होती है, वो है ब्लू वेल, है ना, ब्लू वेल समुद्र में रहती है, सी एनिमल है, बराबर है. फोर्थ वन डैश इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं, कैमल, है ना, वो तो ईएस में आप लोग पढ़ते आते हो इतने दिनों से, क्योंकि वो सैंड में चल सकता है, रेती में चल सकता है. ठीक है, द यंग वन ऑफ ए हॉर्स इज कॉल्ड डैश. हॉर्स के यंग वन को बोलते हैं कॉल्ड, सी ओ एल टी. नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ गुजरात इज, द कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर, है ना, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर. ओके, नेक्स्ट वन इज इंडिया लार्जेस्ट डैम. इंडिया का सबसे बड़ा बांध जो बना है, डैम बना है, उसका नाम है तेहरी डैम. ओके, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको कैपिटल्स वाले चैप्टर में बताई थी, 9 यूनियन टेरिटरीज है, छोटी बड़ी सब है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, डैश इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. अपने यहाँ का नेशनल एंथम कौन सा है, जन गण मन, वो तो सबको पता है. ओके, टेंथ वन इज एंड डैश हैज 8 आर्म्स और 10 टेंटेकल्स, है ना, उसको टेंटेकल्स भी बोलते हैं, जैसे ऑक्टोपस, इसका आंसर है, ऑक्टोपस ऐसा होता है, सी एनिमल है वो, उसका ऐसा फेस होता है और उसमें ऐसे ऐसे आर्म्स निकली रहती है उसकी, 8 आर्म्स होती है, बराबर है. तो वो कैसे करता है कि किसी भी अपने प्रे को, मतलब अपने शिकार को पकड़ता है जब पानी के अंदर, तो वो पूरी 8 आर्म से उसको पकड़ लेता है, उसके अंदर से ब्लू कलर की इंक निकलती है, तो बेहोश हो जाता है ना, जिसका शिकार करता है वो, बराबर है ना. तो वो कौन होता है, ऑक्टोपस. ऑक्टो मीन्स 8, उसकी 8 आर्म होती है, इसको ऑक्टोपस बोलते हैं. ओके, द डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द सी स्टार. सी स्टार किसको बोलते हैं, दूसरा नाम स्टार फिश का, दूसरा नाम क्या है, सी स्टार, अनदर नेम ऑफ स्टार फिश, ऐसा आपको बहुत बड़ा सा पूछ सकते हैं, तो इट इज सी स्टार. ठीक है, द डैश, डैश इज द फास्टेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जो उड़ने वाली जो है फास्टेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड होती है, पैरा में फैलकन. ठीक है, द फ्लावर ऑफ डैश हैव नो पेटल्स एट ऑल. पेटल्स मतलब पत्तियां, फूल की पंखुड़ियां जो होती है वो, है ना, तो जो हम लोग घास जमीन पर लगी हुई देखते हैं, बराबर है, जो वो बड़ी हो जाती है उसमें बारीक बारीक से फूल निकलते हैं, एकदम झीले झीले होते हैं. ठीक है, तो वो जो है उसकी कोई पत्तियां नहीं होती,
फूलों की पंखुड़ियां होती है, जैसे गुलाब की कितनी सारी छोटी छोटी फूल की पत्तियां होती है, पंखुड़ियां होती है ना, तो घास की कोई पंखुड़ियां नहीं होती। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ग्रास। अ डैश इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। ग्रुप ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है, कॉलीफ्लावर। क्यों, अब जब आप फुलेवर जिसको बोलते हो ना, उसमें इतना बड़ा फुलेवर लेके आते हो, जब हम काटते हैं तो छोटे छोटे से कितने सारे फूल निकलते हैं उसमें से, बराबर है। एंड इट इज अ वेजिटेबल नॉट फ्लावर, लेकिन उसका नाम क्या है, कॉलीफ्लावर। ओके, डैश आर ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, है ना। कौन सी चीजें, जो फ्लावर की कली होती है ना, लविंग आपने देखी है ना, लॉन्ग जिसको बोलते हैं, लविंग जो है वो कली जैसी दिखती है और वो सूख जाती है, पहले वो हरी होती है, बड़ी जाड़ी होती है, फिर वो सूख जाती है, तो ब्लैक हो जाती है। तो सूखी हुई कली है पेड़ की, लविंग का जो पौधा होता है उसमें ये लगती है और फिर सूख जाती है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो जो सूख जाती है वो लविंग बन जाती है ब्लैक कलर की। ओके, इंडिया हाइएस्ट डैम है ना, सबसे बड़ा डैम हमारा कौन सा है, तेहरी डैम। ठीक है, तो ये आपका ये वाला वीडियो जो है फिलिप्स का है, आपको इस तरह से करना है। ठीक है, एक ये जो है आपको पार्ट थ्री आपको आएगा, उसमें बहुत सारी चीजें हमारी है, क्रॉस आउट द वर्ड और वन सी, वो सब बहुत सारी चीजें आएंगी आपको। तो जितना रिवीजन आपको आता जा रहा है उतना आप लोग सीडब्ल्यू में कंप्लीट करते जाएंगे, बराबर है। सीडब्ल्यू में कंप्लीट करना है, लिखना है रिवीजन, हम लोग उसी में से रिवाइज करेंगे और मैं उसी में से आपका ऑनलाइन में टेस्ट भी लेने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए आपको व्यवस्थित तरीके से लर्न करना है। अब देखो